फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राया द लास्ट ड्रैगन मूवी के बारे में काफ़ी लोग राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना चाहते हो हिंदी वर्जन में तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो एक इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कर सकते हो क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रया द लास्ट ड्रैगन मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी इंग्लिश वर्जन में भी बात करेंगे एंड हिंदी वर्जन में भी बात करेंगे कि कहाँ पर आप रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देख देख सकते हो साथ ही में बात करेंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा मतलब कि फुल रिव्यू करने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए उसके आगे बात करेंगे इस इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन आपको इस मूवी में ने किया था तो फुल हम इस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं अगर आप भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चैनल को सब्सक्राइब कर देना यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो एक अच्छा सकता कमेंट भी कर सकते हो वीडियो को भी लाइक कर देना तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले टीम के बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर डरेक, की बात की जाए तो राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को डायरेक्ट किया है डॉन हॉल ने कैरलॉस लोप्स एस्ट्राडा ने इसके स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है क्यूई नेगुइन ने एंड अडेले लिम ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है पॉल ब्रिक्स ने डॉन हॉल ने अडेले लिम ने कैरलॉट लोप्स एस्ट्राडा ने कैल मुरे ने कोई नगवीन ने जौहन रिपाने ने एंड डीन वेलिम्स ने इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को प्रोड्यूस किया है ऑस्टन सरर ने पीटर डे दे, पीटर डेल बैचो ने इसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको रया द लास्ट ड्रैगन मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में कैली मैरी ट्रैन देखने को मिलेंगे उसके आगे का फिना देखने को मिलेंगे इजाक वोंग देखने को मिलेंगे जेमा चैन देखने को मिलेंगे डैनियल डाय किम देखने को मिलेंगे एंड बेनेडिक वोंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सेंड्रा ओ देखने को मिलेंगे थालिया ट्रैन लुसीली सॉन्ग एंड एलान टुडेक भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो रया द लास्ट ड्रैगन मूवी में सनमैटोग्राफी की है रॉब ड्रेसल ने अडोल्फ लूसन लूसिन स्काई ने एंड एडिटर की बात की है तो इस मूवी को एडिट किया है फैबी ने रॉले ने एंड शैनन स्टीन ने म्यूज़िक इस मूवी का किया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात कर लेते हैं तो रोया द लास्ट ड्रैगन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स एंड वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज़ एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है वॉल्ट डिजनी स्टूडियोज़ ने एंड मोशन पिक्चर्स ने एंड यह मूवी पाँच मार्च जो दो 2021 में रिलीज की गई थी एंड रनिंग टाइम इस मूवी का 107 मिनट है एंड लैंग्वेज आपको इस मूवी का हिंदी वर्जन भी देखने को मिलेगा साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो so, टीम के बारे में तो बात हो गई उसके आगे बात कर लेते हैं रया द लास्ट ड्रैगन मूवी के बजट के बारे में एंड ऑफ कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट एक मिलियन प्लस डॉलर का रहा था एंड वर्कस ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने लगभग एक मिलियन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो यह कुछ बात होगी इसकी टीम के बारे में वर्कशॉप कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा राया द लास्ट ड्रैगन मूवी एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है जिसका जॉनर के फैंटेसी एक्शन एडवेंचर मूवी है अगर आपको कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज देखना पसंद है एंड साथ ही में एक्शन एडवेंचर मूवीज देखना पसंद है तो रया द लास्ट ड्रैगन मूवी आपको पसंद आने वाली है बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड कंप्यूटर एनिमेटेड है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसा ये मूवी रहने वाला है एंड काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते हैं देखना सो so, आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना है तो बात करें इसके एक्टिंग की तो एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया साथ ही में इस मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया है एंड बनाया भी गया है ओवरऑल टीम ने बहुत बढ़िया इस मूवी को बनाया है तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रया द लास्ट ड्रैगन मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की है तो यूट्यूब पर यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप डिजनी प्लस के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में भी साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप रहा था। लास्ट ड्रैगन मूवी को जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है सो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रया द लास्ट ड्रैगन मूवी के बारे में काफी लोग रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना चाहते हो हिंदी वर्जन में तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो एक इस वीडियो को लाइक भी जरूर से कर सकते हो क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रया द लास्ट ड्रैगन मूवी आपको कहा पर देखने को मिलेगी इंग्लिश वर्जन में भी बात करेंगे एंड हिंदी वर्जन में भी बात करेंगे कि कहाँ पर आप राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देख, देख सकते हो साथ ही में बात करेंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा मतलब कि फुल रिव्यू करने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए उसके आगे बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर्स आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे एंड बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो फुल हम इस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं अगर आप भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चैनल को सब्सक्राइब कर देना यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हो वीडियो को भी लाइक कर देना तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले टीम के बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को डायरेक्ट किया है डॉन हॉल ने कैरलोस लोप्स एस्ट्राडा ने इसके स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है क्यूई नेगुइन ने एंड अडेले लिम ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है पॉल ब्रिक्स ने डॉन हॉल ने अडेले लिम ने कैरलॉट लोप्स एस्ट्राडा ने केल मुरे ने कोई नगवीन ने जौहन रिपा ने एंड डीन बेलिम्स ने इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को प्रोड्यूस किया है ऑस्टन सरर ने पीटर डे दे, पीटर डेल बैचो ने इसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको रया द लास्ट ड्रैगन मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में कैली मैरी ट्रैन देखने को मिलेंगे उसके आगे का फिना देखने को मिलेंगे इजाक वोंग देखने को मिलेंगे जैमा चैन देखने को मिलेंगे डैनियल डाय किम देखने को मिलेंगे एंड बेनेडिक वोंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सेंड्रा ओ देखने को मिलेंगे थालिया ट्रैन लुसीली सॉन्ग एंड एलान टुडेक भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो रया द लास्ट ड्रैगन मूवी में सनमैटोग्राफी की है रॉब ड्रेसल ने अडोल्फ लूसन लूसिन स्काई ने एंड एडिटर की बात की है तो इस मूवी को एडिट किया है फैबी ने रॉले ने एंड शैनन स्टीन ने म्यूज़िक इस मूवी का किया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात कर लेते हैं तो रोया द लास्ट ड्रैगन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स एंड वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज़ एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है वॉल्ट डिज़नी स्टूडियोज़ ने एंड मोशन पिक्चर्स ने एंड यह मूवी पाँच मार्च जो दो 2021 में रिलीज की गई थी एंड रनिंग टाइम इस मूवी का 107 मिनट है एंड लैंग्वेज आपको इस मूवी का हिंदी वर्जन भी देखने को मिलेगा साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो so, टीम के बारे में तो बात हो गई उसके आगे बात कर लेते हैं रया द लास्ट ड्रैगन मूवी के बजट के, के बारे में एंड ऑफ कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट एक मिलियन प्लस डॉलर का रहा था एंड वर्कस ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने लगभग एक मिलियन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो यह कुछ बात होगी इसकी टीम के बारे में वर्कशॉप कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा राया द लास्ट ड्रैगन मूवी एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है जिसका जॉनर के फैंटेसी एक्शन एडवेंचर मूवी है अगर आपको कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज देखना पसंद है एंड साथ ही में एक्शन एडवेंचर मूवीज देखना पसंद है तो रया द लास्ट ड्रैगन मूवी आपको पसंद आने वाली है बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड कंप्यूटर एनिमेटेड है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसा ये मूवी रहने वाला है एंड काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते हैं देखना सो so, आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना है तो बात करें इसके एक्टिंग की तो एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया साथ ही में इस मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया है एंड बनाया भी गया है ओवरऑल टीम ने बहुत बढ़िया इस मूवी को बनाया है तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रया द लास्ट ड्रैगन मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की है तो यूट्यूब पर यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप डिजनी प्लस के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में भी साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप रहा था। लास्ट ड्रैगन मूवी को जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है सो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रया द लास्ट ड्रैगन मूवी के बारे में काफी लोग रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना चाहते हो हिंदी वर्जन में तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो एक इस वीडियो को लाइक भी जरूर से कर सकते हो क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रया द लास्ट ड्रैगन मूवी आपको कहा पर देखने को मिलेगी इंग्लिश वर्जन में भी बात करेंगे एंड हिंदी वर्जन में भी बात करेंगे कि कहाँ पर आप राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देख, देख सकते हो साथ में बात करेंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा मतलब कि फुल रिव्यू करने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए उसके आगे बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर्स आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे एंड बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो फुल हम इस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं अगर आप भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चैनल को सब्सक्राइब कर देना यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हो वीडियो को भी लाइक कर देना तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले टीम के बारे बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को डायरेक्ट किया है डॉन हॉल ने कैरलोस लोप्स एस्ट्राडा ने इसके स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है क्यूई नेगुइन ने एंड अडेले लिम ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है पॉल ब्रिक्स ने डॉन हॉल ने अडेले लिम ने कैरलॉट लोप्स एस्ट्राडा ने तो केल मुरे ने कोई नगवीन ने जौहन रिपा ने एंड डीन बेलिम्स ने इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को प्रोड्यूस किया है ऑस्टन सरर ने पीटर डे दे, पीटर डेल बैचो ने इसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको रया द लास्ट ड्रैगन मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में कैली मैरी ट्रैन देखने को मिलेंगे उसके आगे का फिना देखने को मिलेंगे इजाक वोंग देखने को मिलेंगे जेमा चैन देखने को मिलेंगे डैनियल डाय किम देखने को मिलेंगे एंड बेनेडिक वोंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सेंड्रा ओ देखने को मिलेंगे थालिया ट्रैन लुसीली सॉन्ग एंड एलान टुडेक भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो रया द लास्ट ड्रैगन मूवी में सनमैटोग्राफी की है रॉब ड्रेसल ने अडोल्फ लूसन लूसिन स्काई ने एंड एडिटर की बात की है तो इस मूवी को एडिट किया है फैबी ने रॉले ने एंड शैनन स्टीन ने म्यूज़िक इस मूवी का किया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात कर लेते हैं तो रोया द लास्ट ड्रैगन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स एंड वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज़ एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है वॉल्ट डिज़नी स्टूडियोज़ ने एंड मोशन पिक्चर्स ने एंड यह मूवी पाँच मार्च जो दो 2021 में रिलीज की गई थी एंड रनिंग टाइम इस मूवी का 107 मिनट है एंड लैंग्वेज आपको इस मूवी का हिंदी वर्जन भी देखने को मिलेगा साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो so, टीम के बारे में तो बात हो गई उसके आगे बात कर लेते हैं रया द लास्ट ड्रैगन मूवी के बजट के, के बारे में एंड ऑफ कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बजट की, की बात की जाए तो इस मूवी का बजट एक मिलियन प्लस डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने लगभग एक मिलियन दौल, मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो यह कुछ बात होगी इसकी टीम के बारे में वर्कशॉप कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा राया द लास्ट ड्रैगन मूवी एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है जिसका जॉनर के फैंटेसी एक्शन एडवेंचर मूवी है अगर आपको कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज देखना पसंद है एंड साथ ही में एक्शन एडवेंचर मूवीज देखना पसंद है तो रया द लास्ट ड्रैगन मूवी आपको पसंद आने वाली है बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड कंप्यूटर एनिमेटेड है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसा ये मूवी रहने वाला है एंड काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते हैं देखना सो so, आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना है तो बात करें इसके एक्टिंग की तो एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया साथ ही में इस मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया है एंड बनाया भी गया है ओवरऑल टीम ने बहुत बढ़िया इस मूवी को बनाया है तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रया द लास्ट ड्रैगन मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की है तो यूट्यूब पर यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप डिजनी प्लस के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में भी साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप रहा था। लास्ट ड्रैगन मूवी को जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है सो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रया द लास्ट ड्रैगन मूवी के बारे में काफी लोग रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना चाहते हो हिंदी वर्जन में तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो एक इस वीडियो को लाइक भी जरूर से कर सकते हो क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रया द लास्ट ड्रैगन मूवी आपको कहा पर देखने को मिलेगी इंग्लिश वर्जन में भी बात करेंगे एंड हिंदी वर्जन में भी बात करेंगे कि कहाँ पर आप राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देख, देख सकते हो साथ ही में बात करेंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा मतलब कि फुल रिव्यू करने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए उसके आगे बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर्स आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे एंड बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो फुल हम इस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं अगर आप भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चैनल को सब्सक्राइब कर देना यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हो वीडियो को भी लाइक कर देना तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले टीम के बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को डायरेक्ट किया है तो डॉन हॉल ने कैरलोस लोप्स एस्ट्राडा ने इसके स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है क्यूई नेगुइन ने एंड अडेले लिम ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है पॉल ब्रिक्स ने डॉन हॉल ने अडेले लिम ने कैरलॉट लोप्स एस्ट्राडा ने कैल मुरे ने कोई नगवीन ने जौहन रिपा ने एंड डीन बेलिम्स ने इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को प्रोड्यूस किया है ऑस्टन सरर ने पीटर डे दे, पीटर डेल बैचो ने इसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको रया द लास्ट ड्रैगन मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में कैली मैरी ट्रैन देखने को मिलेंगे उसके आगे का फिना देखने को मिलेंगे इजाक वोंग देखने को मिलेंगे जेमा चैन देखने को मिलेंगे डैनियल डाय किम देखने को मिलेंगे एंड बेनेडिक वोंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सेंड्रा ओ देखने को मिलेंगे थालिया ट्रैन लुसीली सॉन्ग एंड एलान टुडेक भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो रया द लास्ट ड्रैगन मूवी में सनमैटोग्राफी की है रॉब ड्रेसल ने अडोल्फ लूसन लूसिन स्काई ने एंड एडिटर की बात की है तो इस मूवी को एडिट किया है फैबी ने रॉले ने एंड शैनन स्टीन ने म्यूज़िक इस मूवी का किया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात कर लेते हैं तो रोया द लास्ट ड्रैगन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स एंड वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज़ एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है वॉल्ट डिज़नी स्टूडियोज़ ने एंड मोशन पिक्चर्स ने एंड यह मूवी पाँच मार्च जो दो 2021 में रिलीज की गई थी एंड रनिंग टाइम इस मूवी का 107 मिनट है एंड लैंग्वेज आपको इस मूवी का हिंदी वर्जन भी देखने को मिलेगा साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो so, टीम के बारे में तो बात हो गई उसके आगे बात कर लेते हैं रया द लास्ट ड्रैगन मूवी के बजट के बारे में एंड ऑफ कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट एक मिलियन प्लस डॉलर का रहा था एंड वर्कस ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने लगभग एक मिलियन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो यह कुछ बात होगी इसकी टीम के बारे में वर्कशॉप कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा राया द लास्ट ड्रैगन मूवी एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है जिसका जॉनर के फैंटेसी एक्शन एडवेंचर मूवी है अगर आपको कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज देखना पसंद है एंड साथ ही में एक्शन एडवेंचर मूवीज देखना पसंद है तो रया द लास्ट ड्रैगन मूवी आपको पसंद आने वाली है बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड कंप्यूटर एनिमेटेड है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसा ये मूवी रहने वाला है एंड काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते हैं देखना सो so, आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना है तो बात करें इसके एक्टिंग की तो एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया साथ ही में इस मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया है एंड बनाया भी गया है ओवरऑल टीम ने बहुत बढ़िया इस मूवी को बनाया है तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रया द लास्ट ड्रैगन मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की है तो यूट्यूब पर यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप डिजनी प्लस के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में भी साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप रहा था। लास्ट ड्रैगन मूवी को जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है सो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रया द लास्ट ड्रैगन मूवी के बारे में काफी लोग रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना चाहते हो हिंदी वर्जन में तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो एक इस वीडियो को लाइक भी जरूर से कर सकते हो क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रया द लास्ट ड्रैगन मूवी आपको कहा पर देखने को मिलेगी इंग्लिश वर्जन में भी बात करेंगे एंड हिंदी वर्जन में भी बात करेंगे कि कहाँ पर आप राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देख, देख सकते हो साथ ही में बात करेंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा मतलब कि फुल रिव्यू करने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए उसके आगे बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर्स आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे एंड बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो फुल हम इस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं अगर आप भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चैनल को सब्सक्राइब कर देना यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हो वीडियो को भी लाइक कर देना तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले टीम के बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को डायरेक्ट किया है डॉन हॉल ने कैरलोस लोप्स एस्ट्राडा ने इसके स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है क्यूई नेगुइन ने एंड अडेले लिम ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है पॉल ब्रिक्स ने डॉन हॉल ने अडेले लिम ने कैरलॉट लोप्स एस्ट्राडा ने केल मुरे ने कोई नगवीन ने जौहन रिपा ने एंड डीन बेलिम्स ने इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को प्रोड्यूस किया है ऑस्टन सरर ने पीटर डे दे, पीटर डेल बैचो ने इसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको रया द लास्ट ड्रैगन मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में कैली मैरी ट्रैन देखने को मिलेंगे उसके आगे का फिना देखने को मिलेंगे इजाक वोंग देखने को मिलेंगे जेमा चैन देखने को मिलेंगे डैनियल डाय किम देखने को मिलेंगे एंड बेनेडिक वोंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सेंड्रा ओ देखने को मिलेंगे थालिया ट्रैन लुसीली सॉन्ग एंड एलान टुडेक भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो रया द लास्ट ड्रैगन मूवी में सनमैटोग्राफी की है रॉब ड्रेसल ने अडोल्फ लूसन लूसिन स्काई ने एंड एडिटर की बात की है तो इस मूवी को एडिट किया है फैबी ने रॉले ने एंड शैनन स्टीन ने म्यूज़िक इस मूवी का किया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात कर लेते हैं तो रोया द लास्ट ड्रैगन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स एंड वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज़ एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है वॉल्ट डिज़नी स्टूडियोज़ ने एंड मोशन पिक्चर्स ने एंड यह मूवी पाँच मार्च जो दो 2021 में रिलीज की गई थी एंड रनिंग टाइम इस मूवी का 107 मिनट है एंड लैंग्वेज आपको इस मूवी का हिंदी वर्जन भी देखने को मिलेगा साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो so, टीम के बारे में तो बात हो गई उसके आगे बात कर लेते हैं रया द लास्ट ड्रैगन मूवी के बजट के बारे में एंड ऑफ कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट एक मिलियन प्लस डॉलर का रहा था एंड वर्कस ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने लगभग एक मिलियन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो यह कुछ बात होगी इसकी टीम के बारे में वर्कशॉप कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा राया द लास्ट ड्रैगन मूवी एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है जिसका जॉनर के फैंटेसी एक्शन एडवेंचर मूवी है अगर आपको कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज देखना पसंद है एंड साथ ही में एक्शन एडवेंचर मूवीज देखना पसंद है तो रया द लास्ट ड्रैगन मूवी आपको पसंद आने वाली है बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड कंप्यूटर एनिमेटेड है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसा ये मूवी रहने वाला है एंड काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते हैं देखना सो so, आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना है तो बात करें इसके एक्टिंग की तो एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया साथ ही में इस मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया है एंड बनाया भी गया है ओवरऑल टीम ने बहुत बढ़िया इस मूवी को बनाया है तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रया द लास्ट ड्रैगन मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की है तो यूट्यूब पर यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप डिजनी प्लस के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में भी साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप रहा था। लास्ट ड्रैगन मूवी को जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है सो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रया द लास्ट ड्रैगन मूवी के बारे में काफी लोग रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना चाहते हो हिंदी वर्जन में तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो एक इस वीडियो को लाइक भी जरूर से कर सकते हो क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रया द लास्ट ड्रैगन मूवी आपको कहा पर देखने को मिलेगी इंग्लिश वर्जन में भी बात करेंगे एंड हिंदी वर्जन में भी बात करेंगे कि कहाँ पर आप राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देख... देख सकते हो साथ में बात करेंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा मतलब कि फुल रिव्यू करने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए उसके आगे बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर्स आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे एंड बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में लास्ट ड्रैगन मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो फुल हम इस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं अगर आप भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चैनल को सब्सक्राइब कर देना यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हो वीडियो को भी लाइक कर देना तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले टीम के बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर डरेक, की बात की जाए तो राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को डायरेक्ट किया है डॉन हॉल ने कैरलोस लोप्स एस्ट्राडा ने इसके स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है क्यूई नेगुइन ने एंड अडेले लिम ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है पॉल ब्रिक्स ने डॉन हॉल ने अडेले लिम ने कैरलॉट लोप्स एस्ट्राडा ने केल मुरे ने कोई नगवीन ने जौहन रिपा ने एंड डीन बेलिम्स ने इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को प्रोड्यूस किया है ऑस्टन सरर ने पीटर डे दे, पीटर डेल बैचो ने इसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको रया द लास्ट ड्रैगन मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में कैली मैरी ट्रैन देखने को मिलेंगे उसके आगे का फिना देखने को मिलेंगे इजाक वोंग देखने को मिलेंगे जेमा चैन देखने को मिलेंगे डैनियल डाय किम देखने को मिलेंगे एंड बैनेडिक वोंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सेंड्रा ओ देखने को मिलेंगे थालिया ट्रैन लुसीली सॉन्ग एंड एलान टुडेक भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो रया द लास्ट ड्रैगन मूवी में सनमैटोग्राफी की है रॉब ड्रैसल ने अडोल्फ लूसन लूसिन स्काई ने एंड एडिटर की बात की है तो इस मूवी को एडिट किया है फैबी ने रॉले ने एंड शैनन स्टीन ने म्यूज़िक इस मूवी का किया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात कर लेते हैं तो रोया द लास्ट ड्रैगन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स एंड वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज़ एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है वॉल्ट डिज़नी स्टूडियोज़ ने एंड मोशन पिक्चर्स ने एंड यह मूवी पाँच मार्च जो दो 2021 में रिलीज की गई थी एंड रनिंग टाइम इस मूवी का 107 मिनट है एंड लैंग्वेज आपको इस मूवी का हिंदी वर्जन भी देखने को मिलेगा साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो so, टीम के बारे में तो बात हो गई उसके आगे बात कर लेते हैं रया द लास्ट ड्रैगन मूवी के बजट के बारे में एंड ऑफ कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट एक मिलियन प्लस डॉलर का रहा था एंड वर्कस ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने लगभग एक मिलियन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो यह कुछ बात होगी इसकी टीम के बारे में वर्कशॉप कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा राया द लास्ट ड्रैगन मूवी एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है जिसका जॉनर के फैंटेसी एक्शन एडवेंचर मूवी है अगर आपको कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज देखना पसंद है एंड साथ ही में एक्शन एडवेंचर मूवीज देखना पसंद है तो रया द लास्ट ड्रैगन मूवी आपको पसंद आने वाली है बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड कंप्यूटर एनिमेटेड है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसा ये मूवी रहने वाला है एंड काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते हैं देखना सो so, आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना है तो बात करें इसके एक्टिंग की तो एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया साथ ही में इस मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया है एंड बनाया भी गया है ओवरऑल टीम ने बहुत बढ़िया इस मूवी को बनाया है तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रया द लास्ट ड्रैगन मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की है तो यूट्यूब पर यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप डिजनी प्लस के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में भी साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी लास्ट ड्रैगन मूवी को जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है सो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रया द लास्ट ड्रैगन मूवी के बारे में काफी लोग रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना चाहते हो हिंदी वर्जन में तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो एक इस वीडियो को लाइक भी जरूर से कर सकते हो क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रया द लास्ट ड्रैगन मूवी आपको कहा पर देखने को मिलेगी इंग्लिश वर्जन में भी बात करेंगे एंड हिंदी वर्जन में भी बात करेंगे कि कहाँ पर आप राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देख, देख सकते हो साथ में बात करेंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा मतलब कि फुल रिव्यू करने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए उसके आगे बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर्स आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे एंड बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो फुल हम इस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं अगर आप भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चैनल को सब्सक्राइब कर देना यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हो वीडियो को भी लाइक कर देना तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले टीम के बारे में बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को डायरेक्ट किया है डॉन हॉल ने कैरलोस लोप्स एस्ट्राडा ने इसके स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है क्यूई नेगुइन ने एंड अडेले लिम ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है पॉल ब्रिक्स ने डॉन हॉल ने अडेले लिम ने कैरलॉट लोप्स एस्ट्राडा ने केल मुरे ने कोई नगवीन ने जौहन रिपा ने एंड डीन बेलिम्स ने इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को प्रोड्यूस किया है ऑस्टन सरर ने पीटर डे दे, पीटर डेल बैचो ने इसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको रया द लास्ट ड्रैगन मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में कैली मैरी ट्रैन देखने को मिलेंगे उसके आगे का फिना देखने को मिलेंगे इजाक वोंग देखने को मिलेंगे जेमा चैन देखने को मिलेंगे डैनियल डाय किम देखने को मिलेंगे एंड बेनेडिक वोंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सेंड्रा ओ देखने को मिलेंगे थालिया ट्रैन लुसीली सॉन्ग एंड एलान टुडेक भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो रया द लास्ट ड्रैगन मूवी में सनमैटोग्राफी की है रॉब ड्रेसल ने अडोल्फ लूसन लूसिन स्काई ने एंड एडिटर की बात की है तो इस मूवी को एडिट किया है फैबी ने रॉले ने एंड शैनन स्टीन ने म्यूज़िक इस मूवी का किया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात कर लेते हैं तो रोया द लास्ट ड्रैगन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स एंड वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज़ एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है वॉल्ट डिज़नी स्टूडियोज़ ने एंड मोशन पिक्चर्स ने एंड यह मूवी पाँच मार्च जो दो 2021 में रिलीज की गई थी एंड रनिंग टाइम इस मूवी का 107 मिनट है एंड लैंग्वेज आपको इस मूवी का हिंदी वर्जन भी देखने को मिलेगा साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो so, टीम के बारे में तो बात हो गई उसके आगे बात कर लेते हैं रया द लास्ट ड्रैगन मूवी के बजट के, के बारे में एंड ऑफ कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बजट की, की बात की जाए तो इस मूवी का बजट एक मिलियन प्लस डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने लगभग एक मिलियन डौल, मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो यह कुछ बात होगी इसकी टीम के बारे में वर्कशॉप कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा राया द लास्ट ड्रैगन मूवी एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है जिसका जॉनर के फैंटेसी एक्शन एडवेंचर मूवी है अगर आपको कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज देखना पसंद है एंड साथ ही में एक्शन एडवेंचर मूवीज देखना पसंद है तो रया द लास्ट ड्रैगन मूवी आपको पसंद आने वाली है बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड कंप्यूटर एनिमेटेड है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसा ये मूवी रहने वाला है एंड काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते हैं देखना सो so, आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना है तो बात करें इसके एक्टिंग की तो एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया साथ ही में इस मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया है एंड बनाया भी गया है ओवरऑल टीम ने बहुत बढ़िया इस मूवी को बनाया है तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रया द लास्ट ड्रैगन मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की है तो यूट्यूब पर यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप डिजनी प्लस के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में भी साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप रहा था। लास्ट ड्रैगन मूवी को जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है सो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रया द लास्ट ड्रैगन मूवी के बारे में काफी लोग रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना चाहते हो हिंदी वर्जन में तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो एक इस वीडियो को लाइक भी जरूर से कर सकते हो क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रया द लास्ट ड्रैगन मूवी आपको कहा पर देखने को मिलेगी इंग्लिश वर्जन में भी बात करेंगे एंड हिंदी वर्जन में भी बात करेंगे कि कहाँ पर आप राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देख, देख सकते हो साथ में बात करेंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा मतलब कि फुल रिव्यू करने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए उसके आगे बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर्स आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे एंड बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो फुल हम इस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं अगर आप भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चैनल को सब्सक्राइब कर देना यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हो वीडियो को भी लाइक कर देना तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले टीम के बारे में बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को डायरेक्ट किया है डॉन हॉल ने कैरलोस लोप्स एस्ट्राडा ने इसके स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है क्यूई नेगुइन ने एंड अडेले लिम ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है पॉल ब्रिक्स ने डॉन हॉल ने अडेले लिम ने कैरलॉट लोप्स एस्ट्राडा ने केल मुरे ने कोई नगवीन ने जौहन रिपा ने एंड डीन बेलिम्स ने इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को प्रोड्यूस किया है ऑस्टन सरर ने पीटर डे दे, पीटर डेल बैचो ने इसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको रया द लास्ट ड्रैगन मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में कैली मैरी ट्रैन देखने को मिलेंगे उसके आगे का फिना देखने को मिलेंगे इजाक वोंग देखने को मिलेंगे जेमा चैन देखने को मिलेंगे डैनियल डाय किम देखने को मिलेंगे एंड बैनेडिक वोंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सेंड्रा ओ देखने को मिलेंगे थालिया ट्रैन लुसीली सॉन्ग एंड एलान टुडेक भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो रया द लास्ट ड्रैगन मूवी में सनमैटोग्राफी की है रॉब ड्रैसल ने अडोल्फ लूसन लूसिन स्काई ने एंड एडिटर की बात की है तो इस मूवी को एडिट किया है फैबी ने रॉले ने एंड शैनन स्टीन ने म्यूज़िक इस मूवी का किया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात कर लेते हैं तो रोया द लास्ट ड्रैगन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स एंड वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज़ एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है वॉल्ट डिज़नी स्टूडियोज़ ने एंड मोशन पिक्चर्स ने एंड यह मूवी पाँच मार्च जो दो 2021 में रिलीज की गई थी एंड रनिंग टाइम इस मूवी का 107 मिनट है एंड लैंग्वेज आपको इस मूवी का हिंदी वर्जन भी देखने को मिलेगा साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो so, टीम के बारे में तो बात हो गई उसके आगे बात कर लेते हैं रया द लास्ट ड्रैगन मूवी के बजट के, के बारे में एंड वर्कस ऑफ्स कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट एक मिलियन प्लस डॉलर का रहा था एंड वर्कस ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने लगभग एक मिलियन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो यह कुछ बात होगी इसकी टीम के बारे में वर्कशॉप कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा राया द लास्ट ड्रैगन मूवी एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है जिसका जॉनर के फैंटेसी एक्शन एडवेंचर मूवी है अगर आपको कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज़ देखना पसंद है एंड साथ ही में एक्शन एडवेंचर मूवीज़ देखना पसंद है तो रया द लास्ट ड्रैगन मूवी आपको पसंद आने वाली है बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड कंप्यूटर एनिमेटेड है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसा ये मूवी रहने वाला है एंड काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते हैं देखना सो so, आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना है तो बात करें इसके एक्टिंग की तो एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया साथ ही में इस मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया है एंड बनाया भी गया है ओवरऑल टीम ने बहुत बढ़िया इस मूवी को बनाया है तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रया द लास्ट ड्रैगन मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की है तो यूट्यूब पर यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप डिजनी प्लस के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में भी साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी लास्ट ड्रैगन मूवी को जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है सो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रया द लास्ट ड्रैगन मूवी के बारे में काफी लोग रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना चाहते हो हिंदी वर्जन में तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो एक इस वीडियो को लाइक भी जरूर से कर सकते हो क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रया द लास्ट ड्रैगन मूवी आपको कहा पर देखने को मिलेगी इंग्लिश वर्जन में भी बात करेंगे एंड हिंदी वर्जन में भी बात करेंगे कि कहाँ पर आप राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देख, देख सकते हो साथ ही में बात करेंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा मतलब कि फुल रिव्यू करने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए उसके आगे बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है इ, कौन से एक्टर्स आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे एंड बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो फुल हम इस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं अगर आप भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चैनल को सब्सक्राइब कर देना यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हो वीडियो को भी लाइक कर देना तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले टीम के बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को डायरेक्ट किया है डॉन हॉल ने कैरलोस लोप्स एस्ट्राडा ने इसके स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है क्यूई नेगुइन ने एंड अडेले लिम ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है पॉल ब्रिक्स ने डॉन हॉल ने अडेले लिम ने कैरलॉट लोप्स एस्ट्राडा ने केल मुरे ने कोई नगवीन ने जौहन रिपा ने एंड डीन बेलिम्स ने इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को प्रोड्यूस किया है ऑस्टन सरर ने पीटर डे दे, पीटर डेल बैचो ने इसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको रया द लास्ट ड्रैगन मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में कैली मैरी ट्रैन देखने को मिलेंगे उसके आगे का फिना देखने को मिलेंगे इजाक वोंग देखने को मिलेंगे जेमा चैन देखने को मिलेंगे डैनियल डाय किम देखने को मिलेंगे एंड बैनेडिक वोंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सेंड्रा ओ देखने को मिलेंगे थालिया ट्रैन लुसीली सॉन्ग एंड एलान टुडेक भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो रया द लास्ट ड्रैगन मूवी में सनमैटोग्राफी की है रॉब ड्रैसल ने अडोल्फ लूसन लूसिन स्काई ने एंड एडिटर की बात की है तो इस मूवी को एडिट किया है फैबी ने रॉले ने एंड शैनन स्टीन ने म्यूज़िक इस मूवी का किया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात कर लेते हैं तो रोया द लास्ट ड्रैगन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स एंड वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज़ एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है वॉल्ट डिज़नी स्टूडियोज़ ने एंड मोशन पिक्चर्स ने एंड यह मूवी पाँच मार्च जो दो 2021 में रिलीज की गई थी एंड रनिंग टाइम इस मूवी का 107 मिनट है एंड लैंग्वेज आपको इस मूवी का हिंदी वर्जन भी देखने को मिलेगा साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो so, टीम के बारे में तो बात हो गई उसके आगे बात कर लेते हैं रया द लास्ट ड्रैगन मूवी के बजट के, के बारे में एंड ऑफ कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बजट की, की बात की जाए तो इस मूवी का बजट एक मिलियन प्लस डॉलर का रहा था एंड वर्कस ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने लगभग एक मिलियन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो यह कुछ बात होगी इसकी टीम के बारे में वर्कशॉप कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा राया द लास्ट ड्रैगन मूवी एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है जिसका जॉनर के फैंटेसी एक्शन एडवेंचर मूवी है अगर आपको कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज देखना पसंद है एंड साथ ही में एक्शन एडवेंचर मूवीज देखना पसंद है तो रया द लास्ट ड्रैगन मूवी आपको पसंद आने वाली है बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड कंप्यूटर एनिमेटेड है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसा ये मूवी रहने वाला है एंड काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते हैं देखना सो so, आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना है तो बात करें इसके एक्टिंग की तो एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया साथ ही में इस मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया है एंड बनाया भी गया है ओवरऑल टीम ने बहुत बढ़िया इस मूवी को बनाया है तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रया द लास्ट ड्रैगन मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की है तो यूट्यूब पर यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप डिजनी प्लस के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में भी साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप रहा था। लास्ट ड्रैगन मूवी को जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है सो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रया द लास्ट ड्रैगन मूवी के बारे में काफी लोग रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना चाहते हो हिंदी वर्जन में तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो एक इस वीडियो को लाइक भी जरूर से कर सकते हो क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रया द लास्ट ड्रैगन मूवी आपको कहा पर देखने को मिलेगी इंग्लिश वर्जन में भी बात करेंगे एंड हिंदी वर्जन में भी बात करेंगे कि कहाँ पर आप राया द लास्ट ड्रैगन मूवी देख, को देख सकते हो साथ में बात करेंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा मतलब कि फुल रिव्यू करने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए उसके आगे बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर्स आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे एंड बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो फुल हम इस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं अगर आप भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चैनल को सब्सक्राइब कर देना यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हो वीडियो को भी लाइक कर देना तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले टीम के बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर देरेक्ट, की बात की जाए तो राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को डायरेक्ट किया है डॉन हॉल ने कैरलोस लोप्स एस्ट्राडा ने इसके स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है क्यूई नेगुइन ने एंड अडेले लिम ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है पॉल ब्रिक्स ने डॉन हॉल ने अडेले लिम ने कैरलॉट लोप्स एस्ट्राडा ने केल मुरे ने कोई नगवीन ने जौहन रिपा ने एंड डीन बेलिम्स ने इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को प्रोड्यूस किया है ऑस्टन सरर ने पीटर डे दे, पीटर डेल बैचो ने इसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको रया द लास्ट ड्रैगन मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में कैली मैरी ट्रैन देखने को मिलेंगे उसके आगे का फिना देखने को मिलेंगे इजाक वोंग देखने को मिलेंगे जेमा चैन देखने को मिलेंगे डैनियल डाय किम देखने को मिलेंगे एंड बैनेडिक वोंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सेंड्रा ओ देखने को मिलेंगे थालिया ट्रैन लुसीली सॉन्ग एंड एलान टुडेक भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो रया द लास्ट ड्रैगन मूवी में सनमैटोग्राफी की है रॉब ड्रैसल ने अडोल्फ लूसन लूसिन स्काई ने एंड एडिटर की बात की है तो इस मूवी को एडिट किया है फैबी ने रॉले ने एंड शैनन स्टीन ने म्यूज़िक इस मूवी का किया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात कर लेते हैं तो रोया द लास्ट ड्रैगन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स एंड वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज़ एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है वॉल्ट डिज़नी स्टूडियोज़ ने एंड मोशन पिक्चर्स ने एंड यह मूवी पाँच मार्च जो दो 2021 में रिलीज की गई थी एंड रनिंग टाइम इस मूवी का 107 मिनट है एंड लैंग्वेज आपको इस मूवी का हिंदी वर्जन भी देखने को मिलेगा साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो so, टीम के बारे में तो बात हो गई उसके आगे बात कर लेते हैं रया द लास्ट ड्रैगन मूवी के बजट के, के बारे में एंड ऑफ कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बजट की, की बात की जाए तो इस मूवी का बजट एक मिलियन प्लस डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने लगभग एक मिलियन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो यह कुछ बात होगी इसकी टीम के बारे में वर्कशॉप कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा राया द लास्ट ड्रैगन मूवी एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है जिसका जॉनर के फैंटेसी एक्शन एडवेंचर मूवी है अगर आपको कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज देखना पसंद है एंड साथ ही में एक्शन एडवेंचर मूवीज देखना पसंद है तो रया द लास्ट ड्रैगन मूवी आपको पसंद आने वाली है बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड कंप्यूटर एनिमेटेड है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसा ये मूवी रहने वाला है एंड काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते हैं देखना सो so, आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना है तो बात करें इसके एक्टिंग की तो एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया साथ ही में इस मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया है एंड बनाया गया है ओवरऑल टीम ने बहुत बढ़िया इस मूवी को बनाया है तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रया द लास्ट ड्रैगन मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की है तो यूट्यूब पर यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप डिजनी प्लस के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में भी साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप रहा था। लास्ट ड्रैगन मूवी को जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है सो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रया द लास्ट ड्रैगन मूवी के बारे में काफी लोग रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना चाहते हो हिंदी वर्जन में तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो एक इस वीडियो को लाइक भी जरूर से कर सकते हो क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रया द लास्ट ड्रैगन मूवी आपको कहा पर देखने को मिलेगी इंग्लिश वर्जन में भी बात करेंगे एंड हिंदी वर्जन में भी बात करेंगे कि कहाँ पर आप राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देख, देख सकते हो साथ में बात करेंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा मतलब कि फुल रिव्यू करने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए उसके आगे बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर्स आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे एंड बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो फुल हम इस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं अगर आप भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चैनल को सब्सक्राइब कर देना यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हो वीडियो को भी लाइक कर देना तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले टीम के बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को डायरेक्ट किया है डॉन हॉल ने कैरलोस लोप्स एस्ट्राडा ने इसके स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है क्यूई नेगुइन ने एंड अडेले लिम ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है पॉल ब्रिक्स ने डॉन हॉल ने अडेले लिम ने कैरलॉट लोप्स एस्ट्राडा ने केल मुरे ने कोई नगवीन ने जौहन रिपा ने एंड डीन बेलिम्स ने इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को प्रोड्यूस किया है ऑस्टन सरर ने पीटर डे दे, पीटर डेल बैचो ने इसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको रया द लास्ट ड्रैगन मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में कैली मैरी ट्रैन देखने को मिलेंगे उसके आगे का फिना देखने को मिलेंगे इजाक वोंग देखने को मिलेंगे जेमा चैन देखने को मिलेंगे डैनियल डाय किम देखने को मिलेंगे एंड बेनेडिक वोंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सेंड्रा ओ देखने को मिलेंगे थालिया ट्रैन लुसीली सॉन्ग एंड एलान टुडेक भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो रया द लास्ट ड्रैगन मूवी में सनमैटोग्राफी की है रॉब ड्रेसल ने अडोल्फ लूसन लूसिन स्काई ने एंड एडिटर की बात की है तो इस मूवी को एडिट किया है फैबी ने रॉले ने एंड शैनन स्टीन ने म्यूज़िक इस मूवी का किया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात कर लेते हैं तो रोया द लास्ट ड्रैगन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स एंड वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज़ एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है वॉल्ट डिज़नी स्टूडियोज़ ने एंड मोशन पिक्चर्स ने एंड यह मूवी पाँच मार्च जो दो 2021 में रिलीज की गई थी एंड रनिंग टाइम इस मूवी का 107 मिनट है एंड लैंग्वेज आपको इस मूवी का हिंदी वर्जन भी देखने को मिलेगा साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो so, टीम के बारे में तो बात हो गई उसके आगे बात कर लेते हैं रया द लास्ट ड्रैगन मूवी के बजट के बारे में एंड ऑफ कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट एक मिलियन प्लस डॉलर का रहा था एंड वर्कस ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने लगभग एक मिलियन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो यह कुछ बात होगी इसकी टीम के बारे में वर्कशॉप कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा राया द लास्ट ड्रैगन मूवी एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है जिसका जॉनर के फैंटेसी एक्शन एडवेंचर मूवी है अगर आपको कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज देखना पसंद है एंड साथ ही में एक्शन एडवेंचर मूवीज देखना पसंद है तो रया द लास्ट ड्रैगन मूवी आपको पसंद आने वाली है बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड कंप्यूटर एनिमेटेड है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसा ये मूवी रहने वाला है एंड काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते हैं देखना सो so, आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना है तो बात करें इसके एक्टिंग की तो एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया साथ ही में इस मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया है एंड बनाया भी गया है ओवरऑल टीम ने बहुत बढ़िया इस मूवी को बनाया है तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रया द लास्ट ड्रैगन मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की है तो यूट्यूब पर यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप डिजनी प्लस के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में भी साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप रहा था। लास्ट ड्रैगन मूवी को जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है सो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रया द लास्ट ड्रैगन मूवी के बारे में काफी लोग रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना चाहते हो हिंदी वर्जन में तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो एक इस वीडियो को लाइक भी जरूर से कर सकते हो क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रया द लास्ट ड्रैगन मूवी आपको कहा पर देखने को मिलेगी इंग्लिश वर्जन में भी बात करेंगे एंड हिंदी वर्जन में भी बात करेंगे कि कहाँ पर आप राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देख सकते हो साथ में बात करेंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा मतलब कि फुल रिव्यू करने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए उसके आगे बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर्स आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे एंड बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में लास्ट ड्रैगन मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो फुल हम इस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं अगर आप भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चैनल को सब्सक्राइब कर देना यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हो वीडियो को भी लाइक कर देना तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले टीम के बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को डायरेक्ट किया है डॉन हॉल ने कैरलोस लोप्स एस्ट्राडा ने इसके स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है क्यूई नेगुइन ने एंड ने अडेले लिम ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है पॉल ब्रिक्स ने डॉन हॉल ने अडेले लिम ने कैरलॉट तो लोप्स एस्ट्राडा ने कैल मुरे ने कोई नगवीन ने जौहन रिपा ने एंड डीन बेलिम्स ने इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को प्रोड्यूस किया है ऑस्टन सरर ने पीटर डे दे, पीटर डेल बैचो ने इसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको रया द लास्ट ड्रैगन मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में कैली मैरी ट्रैन देखने को मिलेंगे उसके आगे का फिना देखने को मिलेंगे इजाक वोंग देखने को मिलेंगे जैमा चैन देखने को मिलेंगे डैनियल डाय किम देखने को मिलेंगे एंड बेनेडिक वोंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सेंड्रा ओ देखने को मिलेंगे थालिया ट्रैन लुसीली सॉन्ग एंड एलान टुडेक भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो रया द लास्ट ड्रैगन मूवी में सनमैटोग्राफी की है रॉब ड्रेसल ने अडोल्फ लूसन लूसिन स्काई ने एंड एडिटर की बात की है तो इस मूवी को एडिट किया है फैबी ने रॉले ने एंड शैनन स्टीन ने म्यूज़िक इस मूवी का किया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात कर लेते हैं तो रोया द लास्ट ड्रैगन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स एंड वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज़ एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है वॉल्ट डिज़नी स्टूडियोज़ ने एंड मोशन पिक्चर्स ने एंड यह मूवी पाँच मार्च जो दो 2021 में रिलीज की गई थी एंड रनिंग टाइम इस मूवी का 107 मिनट है एंड लैंग्वेज आपको इस मूवी का हिंदी वर्जन भी देखने को मिलेगा साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो so, टीम के बारे में तो बात हो गई उसके आगे बात कर लेते हैं रया द लास्ट ड्रैगन मूवी के बजट के, के बारे में एंड ऑफ कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बजट की, की बात की जाए तो इस मूवी का बजट एक मिलियन प्लस डॉलर का रहा था एंड वर्कस ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने लगभग एक मिलियन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो यह कुछ बात होगी इसकी टीम के बारे में वर्कशॉप कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा राया द लास्ट ड्रैगन मूवी एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है जिसका जॉनर के फैंटेसी एक्शन एडवेंचर मूवी है अगर आपको कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज देखना पसंद है एंड साथ ही में एक्शन एडवेंचर मूवीज देखना पसंद है तो रया द लास्ट ड्रैगन मूवी आपको पसंद आने वाली है बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड कंप्यूटर एनिमेटेड है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसा ये मूवी रहने वाला है एंड काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते हैं देखना सो so, आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना है तो बात करें इसके एक्टिंग की तो एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया साथ ही में इस मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया है एंड बनाया गया है ओवरऑल टीम ने बहुत बढ़िया इस मूवी को बनाया है तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रया द लास्ट ड्रैगन मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की है तो यूट्यूब पर यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप डिजनी प्लस के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में भी साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप रहा था। लास्ट ड्रैगन मूवी को जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है सो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रया द लास्ट ड्रैगन मूवी के बारे में काफी लोग रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना चाहते हो हिंदी वर्जन में तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो एक इस वीडियो को लाइक भी जरूर से कर सकते हो क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रया द लास्ट ड्रैगन मूवी आपको कहा पर देखने को मिलेगी इंग्लिश वर्जन में भी बात करेंगे एंड हिंदी वर्जन में भी बात करेंगे कि कहाँ पर आप राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देख, देख सकते हो साथ ही में बात करेंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा मतलब कि फुल रिव्यू करने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए उसके आगे बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर्स आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे एंड बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो फुल हम इस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं अगर आप भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चैनल को सब्सक्राइब कर देना यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हो वीडियो को भी लाइक कर देना तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले टीम के बारे में बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले दरेक, डायरेक्टर की बात की जाए तो राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को डायरेक्ट किया है डॉन हॉल ने कैरलोस लोप्स एस्ट्राडा ने इसके स्क्रीन प्ले की बात तो लिए की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है क्यूई नेगुइन ने एंड अडेले लिम ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है पॉल ब्रिक्स ने डॉन हॉल ने अडेले लिम ने कैरलॉट लोप्स एस्ट्राडा ने केल मुरे ने कोई नगवीन ने जौहन रिपा ने एंड डीन बेलिम्स ने इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को प्रोड्यूस किया है ऑस्टन सरर ने पीटर डे दे, पीटर डेल बैचो ने इसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको रया द लास्ट ड्रैगन मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में कैली मैरी ट्रैन देखने को मिलेंगे उसके आगे का फिना देखने को मिलेंगे इजाक वोंग देखने को मिलेंगे जेमा चैन देखने को मिलेंगे डैनियल डाय किम देखने को मिलेंगे एंड बेनेडिक वोंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सेंड्रा ओ देखने को मिलेंगे थालिया ट्रैन लुसीली सॉन्ग एंड एलान टुडेक भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो रया द लास्ट ड्रैगन मूवी में सनमैटोग्राफी की है रॉब ड्रेसल ने अडोल्फ लूसन लूसिन स्काई ने एंड एडिटर की बात की है तो इस मूवी को एडिट किया है फैबी ने रॉले ने एंड शैनन स्टीन ने म्यूज़िक इस मूवी का किया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात कर लेते हैं तो रोया द लास्ट ड्रैगन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स एंड वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज़ एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है वॉल्ट डिज़नी स्टूडियोज़ ने एंड मोशन पिक्चर्स ने एंड यह मूवी पाँच मार्च जो दो 2021 में रिलीज की गई थी एंड रनिंग टाइम इस मूवी का 107 मिनट है एंड लैंग्वेज आपको इस मूवी का हिंदी वर्जन भी देखने को मिलेगा साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो so, टीम के बारे में तो बात हो गई उसके आगे बात कर लेते हैं रया द लास्ट ड्रैगन मूवी के बजट के बारे में एंड ऑफ कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट एक मिलियन प्लस डॉलर का रहा था एंड वर्कस ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने लगभग एक मिलियन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो यह कुछ बात होगी इसकी टीम के बारे में वर्कशॉप कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा राया द लास्ट ड्रैगन मूवी एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है जिसका जॉनर के फैंटेसी एक्शन एडवेंचर मूवी है अगर आपको कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज देखना पसंद है एंड साथ ही में एक्शन एडवेंचर मूवीज देखना पसंद है तो रया द लास्ट ड्रैगन मूवी आपको पसंद आने वाली है बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड कंप्यूटर एनिमेटेड है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसा ये मूवी रहने वाला है एंड काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते हैं देखना सो so, आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना है तो बात करें इसके एक्टिंग की तो एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया साथ ही में इस मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया है एंड बनाया भी गया है ओवरऑल टीम ने बहुत बढ़िया इस मूवी को बनाया है तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रया द लास्ट ड्रैगन मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की है तो यूट्यूब पर यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप डिजनी प्लस के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में भी साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप रहा था। लास्ट ड्रैगन मूवी को जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है सो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रया द लास्ट ड्रैगन मूवी के बारे में काफी लोग रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना चाहते हो हिंदी वर्जन में तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो एक इस वीडियो को लाइक भी जरूर से कर सकते हो क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रया द लास्ट ड्रैगन मूवी आपको कहा पर देखने को मिलेगी इंग्लिश वर्जन में भी बात करेंगे एंड हिंदी वर्जन में भी बात करेंगे कि कहाँ पर आप राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देख, देख सकते हो साथ में बात करेंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा मतलब कि फुल रिव्यू करने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए उसके आगे बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर्स आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे एंड बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो फुल हम इस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं अगर आप भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चैनल को सब्सक्राइब कर देना यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हो वीडियो को भी लाइक कर देना तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले टीम के बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को डायरेक्ट किया है डॉन हॉल ने कैरलोस लोप्स एस्ट्राडा ने इसके स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है क्यूई नेगुइन ने एंड अडेले लिम ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है पॉल ब्रिक्स ने डॉन हॉल ने अडेले लिम ने कैरलॉट लोप्स एस्ट्राडा ने केल मुरे ने कोई नगवीन ने जौहन रिपा ने एंड डीन बेलिम्स ने इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को प्रोड्यूस किया है ऑस्टन सरर ने पीटर डे दे, पीटर डेल बैचो ने इसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको रया द लास्ट ड्रैगन मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में कैली मैरी ट्रैन देखने को मिलेंगे उसके आगे का फिना देखने को मिलेंगे इजाक वोंग देखने को मिलेंगे जेमा चैन देखने को मिलेंगे डैनियल डाय किम देखने को मिलेंगे एंड बेनेडिक वोंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सेंड्रा ओ देखने को मिलेंगे थालिया ट्रैन लुसीली सॉन्ग एंड एलान टुडेक भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो रया द लास्ट ड्रैगन मूवी में सनमैटोग्राफी की है रॉब ड्रेसल ने अडोल्फ लूसन लूसिन स्काई ने एंड एडिटर की बात की है तो इस मूवी को एडिट किया है फैबी ने रॉले ने एंड शैनन स्टीन ने म्यूज़िक इस मूवी का किया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात कर लेते हैं तो रोया द लास्ट ड्रैगन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स एंड वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज़ एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है वॉल्ट डिज़नी स्टूडियोज़ ने एंड मोशन पिक्चर्स ने एंड यह मूवी पाँच मार्च जो दो 2021 में रिलीज की गई थी एंड रनिंग टाइम इस मूवी का 107 मिनट है एंड लैंग्वेज आपको इस मूवी का हिंदी वर्जन भी देखने को मिलेगा साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो so, टीम के बारे में तो बात हो गई उसके आगे बात कर लेते हैं रया द लास्ट ड्रैगन मूवी के बजट के, के बारे में एंड ऑफ कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट एक मिलियन प्लस डॉलर का रहा था एंड वर्कस ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने लगभग एक मिलियन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो यह कुछ बात होगी इसकी टीम के बारे में वर्कशॉप कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा राया द लास्ट ड्रैगन मूवी एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है जिसका जॉनर के फैंटेसी एक्शन एडवेंचर मूवी है अगर आपको कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज देखना पसंद है एंड साथ ही में एक्शन एडवेंचर मूवीज देखना पसंद है तो रया द लास्ट ड्रैगन मूवी आपको पसंद आने वाली है बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड कंप्यूटर एनिमेटेड है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसा ये मूवी रहने वाला है एंड काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते हैं देखना सो so, आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना है तो बात करें इसके एक्टिंग की तो एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया साथ ही में इस मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया है एंड बनाया भी गया है ओवरऑल टीम ने बहुत बढ़िया इस मूवी को बनाया है तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रया द लास्ट ड्रैगन मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की है तो यूट्यूब पर यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप डिजनी प्लस के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में भी साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप रहा था। लास्ट ड्रैगन मूवी को जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है सो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रया द लास्ट ड्रैगन मूवी के बारे में काफी लोग रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना चाहते हो हिंदी वर्जन में तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो एक इस वीडियो को लाइक भी जरूर से कर सकते हो क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रया द लास्ट ड्रैगन मूवी आपको कहा पर देखने को मिलेगी इंग्लिश वर्जन में भी बात करेंगे एंड हिंदी वर्जन में भी बात करेंगे कि कहाँ पर आप राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देख, देख सकते हो साथ में बात करेंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा मतलब कि फुल रिव्यू करने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए उसके आगे बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर्स आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे एंड बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो फुल हम इस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं अगर आप भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चैनल को सब्सक्राइब कर देना यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हो वीडियो को भी लाइक कर देना तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले टीम के बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को डायरेक्ट किया है डॉन हॉल ने कैरलोस लोप्स एस्ट्राडा ने इसके स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है क्यूई नेगुइन ने एंड अडेले लिम ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है पॉल ब्रिक्स ने डॉन हॉल ने अडेले लिम ने कैरलॉट लोप्स एस्ट्राडा ने केल मुरे ने कोई नगवीन ने जौहन रिपा ने एंड डीन बेलिम्स ने इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को प्रोड्यूस किया है ऑस्टन सरर ने पीटर डे दे, पीटर डेल बैचो ने इसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको रया द लास्ट ड्रैगन मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में कैली मैरी ट्रैन देखने को मिलेंगे उसके आगे का फिना देखने को मिलेंगे इजाक वोंग देखने को मिलेंगे जेमा चैन देखने को मिलेंगे डैनियल डाय किम देखने को मिलेंगे एंड बेनेडिक वोंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सेंड्रा ओ देखने को मिलेंगे थालिया ट्रैन लुसीली सॉन्ग एंड एलान टुडेक भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो रया द लास्ट ड्रैगन मूवी में सनमैटोग्राफी की है रॉब ड्रेसल ने अडोल्फ लूसन लूसिन स्काई ने एंड एडिटर की बात की है तो इस मूवी को एडिट किया है फैबी ने रॉले ने एंड शैनन स्टीन ने म्यूज़िक इस मूवी का किया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात कर लेते हैं तो रोया द लास्ट ड्रैगन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स एंड वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज़ एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है वॉल्ट डिज़नी स्टूडियोज़ ने एंड मोशन पिक्चर्स ने एंड यह मूवी पाँच मार्च जो दो 2021 में रिलीज की गई थी एंड रनिंग टाइम इस मूवी का 107 मिनट है एंड लैंग्वेज आपको इस मूवी का हिंदी वर्जन भी देखने को मिलेगा साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो so, टीम के बारे में तो बात हो गई उसके आगे बात कर लेते हैं रया द लास्ट ड्रैगन मूवी के बजट के, के बारे में एंड ऑफ कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट एक मिलियन प्लस डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने लगभग एक मिलियन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो यह कुछ बात होगी इसकी टीम के बारे में वर्कशॉप कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा राया द लास्ट ड्रैगन मूवी एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है जिसका जॉनर के फैंटेसी एक्शन एडवेंचर मूवी है अगर आपको कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज देखना पसंद है एंड साथ ही में एक्शन एडवेंचर मूवीज देखना पसंद है तो रया द लास्ट ड्रैगन मूवी आपको पसंद आने वाली है बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड कंप्यूटर एनिमेटेड है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसा ये मूवी रहने वाला है एंड काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते हैं देखना सो so, आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना है तो बात करें इसके एक्टिंग की तो एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया साथ ही में इस मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया है एंड बनाया भी गया है ओवरऑल टीम ने बहुत बढ़िया इस मूवी को बनाया है तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रया द लास्ट ड्रैगन मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की है तो यूट्यूब पर यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप डिजनी प्लस के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में भी साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप रहा था। लास्ट ड्रैगन मूवी को जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है सो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रया द लास्ट ड्रैगन मूवी के बारे में काफी लोग रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना चाहते हो हिंदी वर्जन में तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो एक इस वीडियो को लाइक भी जरूर से कर सकते हो क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रया द लास्ट ड्रैगन मूवी आपको कहा पर देखने को मिलेगी इंग्लिश वर्जन में भी बात करेंगे एंड हिंदी वर्जन में भी बात करेंगे कि कहाँ पर आप राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देख, देख सकते हो साथ में बात करेंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा मतलब कि फुल रिव्यू करने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए उसके आगे बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर्स आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे एंड बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो फुल हम इस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं अगर आप भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चैनल को सब्सक्राइब कर देना यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हो वीडियो को भी लाइक कर देना तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले टीम के बारे बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को डायरेक्ट किया है डॉन हॉल ने कैरलोस लोप्स एस्ट्राडा ने इसके स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है क्यूई नेगुइन ने एंड अडेले लिम ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है पॉल ब्रिक्स ने डॉन हॉल ने अडेले लिम ने कैरलॉट लोप्स एस्ट्राडा ने केल मुरे ने कोई नगवीन ने जौहन रिपा ने एंड डीन बेलिम्स ने इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को प्रोड्यूस किया है ऑस्टन सरर ने पीटर डे दे, पीटर डेल बैचो ने इसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको रया द लास्ट ड्रैगन मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में कैली मैरी ट्रैन देखने को मिलेंगे उसके आगे का फिना देखने को मिलेंगे इजाक वोंग देखने को मिलेंगे जेमा चैन देखने को मिलेंगे डैनियल डाय किम देखने को मिलेंगे एंड बेनेडिक वोंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सेंड्रा ओ देखने को मिलेंगे थालिया ट्रैन लुसीली सॉन्ग एंड एलान टुडेक भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो रया द लास्ट ड्रैगन मूवी में सनमैटोग्राफी की है रॉब ड्रेसल ने अडोल्फ लूसन लूसिन स्काई ने एंड एडिटर की बात की है तो इस मूवी को एडिट किया है फैबी ने रॉले ने एंड शैनन स्टीन ने म्यूज़िक इस मूवी का किया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात कर लेते हैं तो रोया द लास्ट ड्रैगन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स एंड वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज़ एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है वॉल्ट डिज़नी स्टूडियोज़ ने एंड मोशन पिक्चर्स ने एंड यह मूवी पाँच मार्च जो दो 2021 में रिलीज की गई थी एंड रनिंग टाइम इस मूवी का 107 मिनट है एंड लैंग्वेज आपको इस मूवी का हिंदी वर्जन भी देखने को मिलेगा साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो so, टीम के बारे में तो बात हो गई उसके आगे बात कर लेते हैं रया द लास्ट ड्रैगन मूवी के बजट के, के बारे में एंड ऑफ कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बजट की, की बात की जाए तो इस मूवी का बजट एक मिलियन प्लस डॉलर का रहा था एंड वर्कस ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने लगभग एक मिलियन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो यह कुछ बात होगी इसकी टीम के बारे में वर्कशॉप कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा राया द लास्ट ड्रैगन मूवी एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है जिसका जॉनर के फैंटेसी एक्शन एडवेंचर मूवी है अगर आपको कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज देखना पसंद है एंड साथ ही में एक्शन एडवेंचर मूवीज देखना पसंद है तो रया द लास्ट ड्रैगन मूवी आपको पसंद आने वाली है बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड कंप्यूटर एनिमेटेड है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसा ये मूवी रहने वाला है एंड काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते हैं देखना सो so, आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना है तो बात करें इसके एक्टिंग की तो एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया साथ ही में इस मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया है एंड बनाया गया है ओवरऑल टीम ने बहुत बढ़िया इस मूवी को बनाया है तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रया द लास्ट ड्रैगन मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की है तो यूट्यूब पर यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप डिजनी प्लस के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में भी साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप रहा था। लास्ट ड्रैगन मूवी को जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है सो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रया द लास्ट ड्रैगन मूवी के बारे में काफी लोग रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना चाहते हो हिंदी वर्जन में तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो एक इस वीडियो को लाइक भी जरूर से कर सकते हो क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रया द लास्ट ड्रैगन मूवी आपको कहा पर देखने को मिलेगी इंग्लिश वर्जन में भी बात करेंगे एंड हिंदी वर्जन में भी बात करेंगे कि कहाँ पर आप राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देख, देख सकते हो साथ में बात करेंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा मतलब कि फुल रिव्यू करने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए उसके आगे बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर्स आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे एंड बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो फुल हम इस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं अगर आप भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चैनल को सब्सक्राइब कर देना यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हो वीडियो को भी लाइक कर देना तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले टीम के बारे बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को डायरेक्ट किया है डॉन हॉल ने कैरलोस लोप्स एस्ट्राडा ने इसके स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है क्यूई नेगुइन ने एंड अडेले लिम ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है पॉल ब्रिक्स ने डॉन हॉल ने अडेले लिम ने कैरलॉट लोप्स एस्ट्राडा ने केल मुरे ने कोई नगवीन ने जौहन रीपा ने एंड डीन बेलिम्स ने इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को प्रोड्यूस किया है ऑस्टन सरर ने पीटर डे दे, पीटर डेल बैचो ने इसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको रया द लास्ट ड्रैगन मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में कैली मैरी ट्रैन देखने को मिलेंगे उसके आगे का फिना देखने को मिलेंगे इजाक वोंग देखने को मिलेंगे जेमा चैन देखने को मिलेंगे डैनियल डाय किम देखने को मिलेंगे एंड बैनेडिक वोंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सेंड्रा ओ देखने को मिलेंगे थालिया ट्रैन लुसीली सॉन्ग एंड एलान टुडेक भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो रया द लास्ट ड्रैगन मूवी में सनमैटोग्राफी की है रॉब ड्रैसल ने अडोल्फ लूसन लूसिन स्काई ने एंड एडिटर की बात की है तो इस मूवी को एडिट किया है फैबी ने रॉले ने एंड शैनन स्टीन ने म्यूज़िक इस मूवी का किया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात कर लेते हैं तो रोया द लास्ट ड्रैगन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स एंड वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज़ एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है वॉल्ट डिज़नी स्टूडियोज़ ने एंड मोशन पिक्चर्स ने एंड यह मूवी पाँच मार्च जो दो 2021 में रिलीज की गई थी एंड रनिंग टाइम इस मूवी का 107 मिनट है एंड लैंग्वेज आपको इस मूवी का हिंदी वर्जन भी देखने को मिलेगा साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो so, टीम के बारे में तो बात हो गई उसके आगे बात कर लेते हैं रया द लास्ट ड्रैगन मूवी के बजट के बारे में एंड वर्कस ऑफ्स कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट एक मिलियन प्लस डॉलर का रहा था एंड वर्कस ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने लगभग एक मिलियन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो यह कुछ बात होगी इसकी टीम के बारे में वर्कशॉप कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा राया द लास्ट ड्रैगन मूवी एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है जिसका जॉनर के फैंटेसी एक्शन एडवेंचर मूवी है अगर आपको कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज देखना पसंद है एंड साथ में एक्शन एडवेंचर मूवीज देखना पसंद है तो रया द लास्ट ड्रैगन मूवी आपको पसंद आने वाली है बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड कंप्यूटर एनिमेटेड है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसा ये मूवी रहने वाला है एंड काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते हैं देखना सो so, आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना है तो बात करें इसके एक्टिंग की तो एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया साथ ही में इस मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया है एंड बनाया गया है ओवरऑल टीम ने बहुत बढ़िया इस मूवी को बनाया है तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रया द लास्ट ड्रैगन मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की है तो यूट्यूब पर यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप डिजनी प्लस के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में भी साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप रहा था। लास्ट ड्रैगन मूवी को जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है सो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रया द लास्ट ड्रैगन मूवी के बारे में काफी लोग रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना चाहते हो हिंदी वर्जन में तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो एक इस वीडियो को लाइक भी जरूर से कर सकते हो क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रया द लास्ट ड्रैगन मूवी आपको कहा पर देखने को मिलेगी इंग्लिश वर्जन में भी बात करेंगे एंड हिंदी वर्जन में भी बात करेंगे कि कहाँ पर आप राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देख, देख सकते हो साथ ही में बात करेंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा मतलब कि फुल रिव्यू करने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए उसके आगे बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर्स आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे एंड बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो फुल हम इस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं अगर आप भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चैनल को सब्सक्राइब कर देना यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हो वीडियो को भी लाइक कर देना तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले टीम के बारे में बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर देरेक्ट, की बात की जाए तो राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को डायरेक्ट किया है डॉन हॉल ने कैरलोस लोप्स एस्ट्राडा ने इसके स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है क्यूई नेगुइन ने एंड अडेले लिम ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है पॉल ब्रिक्स ने डॉन हॉल ने अडेले लिम ने कैरलॉट लोप्स एस्ट्राडा ने केल मुरे ने कोई नगवीन ने जौहन रिपा ने एंड डीन बेलिम्स ने इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को प्रोड्यूस किया है ऑस्टन सरर ने पीटर डे दे, पीटर डेल बैचो ने इसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको रया द लास्ट ड्रैगन मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में कैली मैरी ट्रैन देखने को मिलेंगे उसके आगे का फिना देखने को मिलेंगे इजाक वोंग देखने को मिलेंगे जैमा चैन देखने को मिलेंगे डैनियल डाय किम देखने को मिलेंगे एंड बेनेडिक वोंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सेंड्रा ओ देखने को मिलेंगे थालिया ट्रैन लुसीली सॉन्ग एंड एलान टुडेक भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो रया द लास्ट ड्रैगन मूवी में सनमैटोग्राफी की है रॉब ड्रेसल ने अडोल्फ लूसन लूसिन स्काई ने एंड एडिटर की बात की है तो इस मूवी को एडिट किया है फैबी ने रॉले ने एंड शैनन स्टीन ने म्यूज़िक इस मूवी का किया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात कर लेते हैं तो रोया द लास्ट ड्रैगन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स एंड वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज़ एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है वॉल्ट डिज़नी स्टूडियोज़ ने एंड मोशन पिक्चर्स ने एंड यह मूवी पाँच मार्च जो दो 2021 में रिलीज की गई थी एंड रनिंग टाइम इस मूवी का 107 मिनट है एंड लैंग्वेज आपको इस मूवी का हिंदी वर्जन भी देखने को मिलेगा साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो so, टीम के बारे में तो बात हो गई उसके आगे बात कर लेते हैं रया द लास्ट ड्रैगन मूवी के बजट के, के बारे में एंड वर्कस कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बजट की, की बात की जाए तो इस मूवी का बजट एक मिलियन प्लस डॉलर का रहा था एंड वर्कस ऑफ्स कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने लगभग एक मिलियन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो यह कुछ बात होगी इसकी टीम के बारे में वर्कशॉप कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा राया द लास्ट ड्रैगन मूवी एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है जिसका जॉनर के फैंटेसी एक्शन एडवेंचर मूवी है अगर आपको कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज देखना पसंद है एंड साथ ही में एक्शन एडवेंचर मूवीज देखना पसंद है तो रया द लास्ट ड्रैगन मूवी आपको पसंद आने वाली है बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड कंप्यूटर एनिमेटेड है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसा ये मूवी रहने वाला है एंड काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते हैं देखना सो so, आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना है तो बात करें इसके एक्टिंग की तो एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया साथ ही में इस मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया है एंड बनाया भी गया है ओवरऑल टीम ने बहुत बढ़िया इस मूवी को बनाया है तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रया द लास्ट ड्रैगन मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की है तो यूट्यूब पर यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप डिजनी प्लस के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में भी साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप रहा था। लास्ट ड्रैगन मूवी को जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है सो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रया द लास्ट ड्रैगन मूवी के बारे में काफी लोग रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना चाहते हो हिंदी वर्जन में तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो एक इस वीडियो को लाइक भी जरूर से कर सकते हो क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रया द लास्ट ड्रैगन मूवी आपको कहा पर देखने को मिलेगी इंग्लिश वर्जन में भी बात करेंगे एंड हिंदी वर्जन में भी बात करेंगे कि कहाँ पर आप राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देख सकते हो साथ में बात करेंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा मतलब कि फुल रिव्यू करने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए उसके आगे बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर्स आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे एंड बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो फुल हम इस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं अगर आप भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चैनल को सब्सक्राइब कर देना यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हो वीडियो को भी लाइक कर देना तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले टीम के बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को डायरेक्ट किया है डॉन हॉल ने कैरलोस लोप्स एस्ट्राडा ने इसके स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है क्यूई नेगुइन ने एंड अडेले लिम ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है पॉल ब्रिक्स ने डॉन हॉल ने अडेले लिम ने कैरलॉट लोप्स एस्ट्राडा ने केल मुरे ने कोई नगवीन ने जौहन रिपा ने एंड डीन बेलिम्स ने इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को प्रोड्यूस किया है ऑस्टन सरर ने पीटर डे दे, पीटर डेल बैचो ने इसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको रया द लास्ट ड्रैगन मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में कैली मैरी ट्रैन देखने को मिलेंगे उसके आगे का फिना देखने को मिलेंगे इजाक वोंग देखने को मिलेंगे जेमा चैन देखने को मिलेंगे डैनियल डाय किम देखने को मिलेंगे एंड बेनेडिक वोंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सेंड्रा ओ देखने को मिलेंगे थालिया ट्रैन लुसीली सॉन्ग एंड एलान टुडेक भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो रया द लास्ट ड्रैगन मूवी में सनमैटोग्राफी की है रॉब ड्रेसल ने अडोल्फ लूसन लूसिन स्काई ने एंड एडिटर की बात की है तो इस मूवी को एडिट किया है फैबी ने रॉले ने एंड शैनन स्टीन ने म्यूज़िक इस मूवी का किया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात कर लेते हैं तो रोया द लास्ट ड्रैगन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स एंड वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज़ एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है वॉल्ट डिज़नी स्टूडियोज़ ने एंड मोशन पिक्चर्स ने एंड यह मूवी पाँच मार्च जो दो 2021 में रिलीज की गई थी एंड रनिंग टाइम इस मूवी का 107 मिनट है एंड लैंग्वेज आपको इस मूवी का हिंदी वर्जन भी देखने को मिलेगा साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो so, टीम के बारे में तो बात हो गई उसके आगे बात कर लेते हैं रया द लास्ट ड्रैगन मूवी के बजट के, के बारे में एंड ऑफ कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बजट की, की बात की जाए तो इस मूवी का बजट एक मिलियन प्लस डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने लगभग एक मिलियन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो यह कुछ बात होगी इसकी टीम के बारे में वर्कशॉप कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा राया द लास्ट ड्रैगन मूवी एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है जिसका जॉनर के फैंटेसी एक्शन एडवेंचर मूवी है अगर आपको कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज देखना पसंद है एंड साथ ही में एक्शन एडवेंचर मूवीज देखना पसंद है तो रया द लास्ट ड्रैगन मूवी आपको पसंद आने वाली है बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड कंप्यूटर एनिमेटेड है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसा ये मूवी रहने वाला है एंड काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते हैं देखना सो so आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना है तो बात करें इसके एक्टिंग की तो एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया साथ ही में इस मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया है एंड बनाया गया है ओवरऑल टीम ने बहुत बढ़िया इस मूवी को बनाया है तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रया द लास्ट ड्रैगन मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की है तो यूट्यूब पर यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप डिजनी प्लस के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में भी साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप रहा था। लास्ट ड्रैगन मूवी को जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है सो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रया द लास्ट ड्रैगन मूवी के बारे में काफी लोग रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना चाहते हो हिंदी वर्जन में तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो एक इस वीडियो को लाइक भी जरूर से कर सकते हो क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रया द लास्ट ड्रैगन मूवी आपको कहा पर देखने को मिलेगी इंग्लिश वर्जन में भी बात करेंगे एंड हिंदी वर्जन में भी बात करेंगे कि कहाँ पर आप राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देख, देख सकते हो साथ ही में बात करेंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा मतलब कि फुल रिव्यू करने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए उसके आगे बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर्स आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे एंड बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो फुल हम इस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं अगर आप भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चैनल को सब्सक्राइब कर देना यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हो वीडियो को भी लाइक कर देना तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले टीम के बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर डरेक, की बात की जाए तो राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को डायरेक्ट किया है डॉन हॉल ने कैरलोस लोप्स एस्ट्राडा ने इसके स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है क्यूई नेगुइन ने एंड अडेले लिम ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है पॉल ब्रिक्स ने डॉन हॉल ने अडेले लिम ने कैरलॉट लोप्स एस्ट्राडा ने केल मुरे ने कोई नगवीन ने जौहन रिपा ने एंड डीन बेलिम्स ने इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को प्रोड्यूस किया है ऑस्टन सरर ने पीटर डे दे, पीटर डेल बैचो ने इसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको रया द लास्ट ड्रैगन मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में कैली मैरी ट्रैन देखने को मिलेंगे उसके आगे का फिना देखने को मिलेंगे इजाक वोंग देखने को मिलेंगे जेमा चैन देखने को मिलेंगे डैनियल डाय किम देखने को मिलेंगे एंड बेनेडिक वोंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सेंड्रा ओ देखने को मिलेंगे थालिया ट्रैन लुसीली सॉन्ग एंड एलान टुडेक भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो रया द लास्ट ड्रैगन मूवी में सनमैटोग्राफी की है रॉब ड्रेसल ने अडोल्फ लूसन लूसिन स्काई ने एंड एडिटर की बात की है तो इस मूवी को एडिट किया है फैबी ने रॉले ने एंड शैनन स्टीन ने म्यूज़िक इस मूवी का किया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात कर लेते हैं तो रोया द लास्ट ड्रैगन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स एंड वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज़ एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है वॉल्ट डिज़नी स्टूडियोज़ ने एंड मोशन पिक्चर्स ने एंड यह मूवी पाँच मार्च जो दो 2021 में रिलीज की गई थी एंड रनिंग टाइम इस मूवी का 107 मिनट है एंड लैंग्वेज आपको इस मूवी का हिंदी वर्जन भी देखने को मिलेगा साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो so, टीम के बारे में तो बात हो गई उसके आगे बात कर लेते हैं रया द लास्ट ड्रैगन मूवी के बजट के बारे में एंड ऑफ कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बजट की, की बात की जाए तो इस मूवी का बजट एक मिलियन प्लस डॉलर का रहा था एंड वर्कस ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने लगभग एक मिलियन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो यह कुछ बात होगी इसकी टीम के बारे में वर्कशॉप कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा राया द लास्ट ड्रैगन मूवी एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है जिसका जॉनर के फैंटेसी एक्शन एडवेंचर मूवी है अगर आपको कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज देखना पसंद है एंड साथ ही में एक्शन एडवेंचर मूवीज देखना पसंद है तो रया द लास्ट ड्रैगन मूवी आपको पसंद आने वाली है बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड कंप्यूटर एनिमेटेड है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसा ये मूवी रहने वाला है एंड काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते हैं देखना सो so, आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना है तो बात करें इसके एक्टिंग की तो एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया साथ ही में इस मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया है एंड बनाया भी गया है ओवरऑल टीम ने बहुत बढ़िया इस मूवी को बनाया है तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रया द लास्ट ड्रैगन मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की है तो यूट्यूब पर यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप डिजनी प्लस के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में भी साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप रहा था। लास्ट ड्रैगन मूवी को जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है सो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रया द लास्ट ड्रैगन मूवी के बारे में काफी लोग रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना चाहते हो हिंदी वर्जन में तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो एक इस वीडियो को लाइक भी जरूर से कर सकते हो क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रया द लास्ट ड्रैगन मूवी आपको कहा पर देखने को मिलेगी इंग्लिश वर्जन में भी बात करेंगे एंड हिंदी वर्जन में भी बात करेंगे कि कहाँ पर आप राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देख, देख सकते हो साथ में बात करेंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा मतलब कि फुल रिव्यू करने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए उसके आगे बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर्स आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे एंड बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो फुल हम इस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं अगर आप भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चैनल को सब्सक्राइब कर देना यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हो वीडियो को भी लाइक कर देना तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले टीम के बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को डायरेक्ट किया है डॉन हॉल ने कैरलोस लोप्स एस्ट्राडा ने इसके स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है क्यूई नेगुइन ने एंड अडेले लिम ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है पॉल ब्रिक्स ने डॉन हॉल ने अडेले लिम ने कैरलॉट लोप्स एस्ट्राडा ने केल मुरे ने कोई नगवीन ने जौहन रिपा ने एंड डीन बेलिम्स ने इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को प्रोड्यूस किया है ऑस्टन सरर ने पीटर डे दे, पीटर डेल बैचो ने इसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको रया द लास्ट ड्रैगन मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में कैली मैरी ट्रैन देखने को मिलेंगे उसके आगे का फिना देखने को मिलेंगे इजाक वोंग देखने को मिलेंगे जेमा चैन देखने को मिलेंगे डैनियल डाय किम देखने को मिलेंगे एंड बेनेडिक वोंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सेंड्रा ओ देखने को मिलेंगे थालिया ट्रैन लुसीली सॉन्ग एंड एलान टुडेक भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो रया द लास्ट ड्रैगन मूवी में सनमैटोग्राफी की है रॉब ड्रेसल ने अडोल्फ लूसन लूसिन स्काई ने एंड एडिटर की बात की है तो इस मूवी को एडिट किया है फैबी ने रॉले ने एंड शैनन स्टीन ने म्यूज़िक इस मूवी का किया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात कर लेते हैं तो रोया द लास्ट ड्रैगन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स एंड वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज़ एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है वॉल्ट डिज़नी स्टूडियोज़ ने एंड मोशन पिक्चर्स ने एंड यह मूवी पाँच मार्च जो दो 2021 में रिलीज की गई थी एंड रनिंग टाइम इस मूवी का 107 मिनट है एंड लैंग्वेज आपको इस मूवी का हिंदी वर्जन भी देखने को मिलेगा साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो so, टीम के बारे में तो बात हो गई उसके आगे बात कर लेते हैं रया द लास्ट ड्रैगन मूवी के बजट के बारे में एंड ऑफ कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट एक मिलियन प्लस डॉलर का रहा था एंड वर्कस ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने लगभग एक मिलियन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो यह कुछ बात होगी इसकी टीम के बारे में वर्कशॉप कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा राया द लास्ट ड्रैगन मूवी एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है जिसका जॉनर के फैंटेसी एक्शन एडवेंचर मूवी है अगर आपको कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज देखना पसंद है एंड साथ ही में एक्शन एडवेंचर मूवीज देखना पसंद है तो रया द लास्ट ड्रैगन मूवी आपको पसंद आने वाली है बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड कंप्यूटर एनिमेटेड है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसा ये मूवी रहने वाला है एंड काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते हैं देखना सो so, आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना है तो बात करें इसके एक्टिंग की तो एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया साथ ही में इस मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया है एंड बनाया भी गया है ओवरऑल टीम ने बहुत बढ़िया इस मूवी को बनाया है तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रया द लास्ट ड्रैगन मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की है तो यूट्यूब पर यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप डिजनी प्लस के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में भी साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप रहा था। लास्ट ड्रैगन मूवी को जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है सो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रया द लास्ट ड्रैगन मूवी के बारे में काफी लोग रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना चाहते हो हिंदी वर्जन में तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो एक इस वीडियो को लाइक भी जरूर से कर सकते हो क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रया द लास्ट ड्रैगन मूवी आपको कहा पर देखने को मिलेगी इंग्लिश वर्जन में भी बात करेंगे एंड हिंदी वर्जन में भी बात करेंगे कि कहाँ पर आप राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देख, देख सकते हो साथ में बात करेंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा मतलब कि फुल रिव्यू करने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए उसके आगे बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर्स आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे एंड बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो फुल हम इस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं अगर आप भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चैनल को सब्सक्राइब कर देना यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हो वीडियो को भी लाइक कर देना तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले टीम के बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले दिरेक्ट, डायरेक्टर की बात की जाए तो राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को डायरेक्ट किया है डॉन हॉल ने कैरलोस लोप्स एस्ट्राडा ने इसके स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है क्यूई नेगुइन ने एंड अडेले लिम ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है पॉल ब्रिक्स ने डॉन हॉल ने अडेले लिम ने कैरलॉट लोप्स एस्ट्राडा ने केल मुरे ने कोई नगवीन ने जौहन रिपा ने एंड डीन बेलिम्स ने इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो राया द लास्ट ड्रैगन मूवी को प्रोड्यूस किया है ऑस्टन सरर ने पीटर डे दे, पीटर डेल बैचो ने इसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको रया द लास्ट ड्रैगन मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में कैली मैरी ट्रैन देखने को मिलेंगे उसके आगे का फिना देखने को मिलेंगे इजाक वोंग देखने को मिलेंगे जेमा चैन देखने को मिलेंगे डैनियल डाय किम देखने को मिलेंगे एंड बेनेडिक वोंग भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सेंड्रा ओ देखने को मिलेंगे थालिया ट्रैन लुसीली सॉन्ग एंड एलान टुडेक भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो रया द लास्ट ड्रैगन मूवी में सनमैटोग्राफी की है रॉब ड्रेसल ने अडोल्फ लूसन लूसिन स्काई ने एंड एडिटर की बात की है तो इस मूवी को एडिट किया है फैबी ने रॉले ने एंड शैनन स्टीन ने म्यूज़िक इस मूवी का किया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात कर लेते हैं तो रोया द लास्ट ड्रैगन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स एंड वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज़ एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है वॉल्ट डिज़नी स्टूडियोज़ ने एंड मोशन पिक्चर्स ने एंड यह मूवी पाँच मार्च जो दो 2021 में रिलीज की गई थी एंड रनिंग टाइम इस मूवी का 107 मिनट है एंड लैंग्वेज आपको इस मूवी का हिंदी वर्जन भी देखने को मिलेगा साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो so, टीम के बारे में तो बात हो गई उसके आगे बात कर लेते हैं रया द लास्ट ड्रैगन मूवी के बजट के, के बारे में एंड ऑफ कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बजट की, 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 तो की बात की जाए तो इस मूवी का बजट एक मिलियन प्लस डॉलर का रहा था एंड वर्कस ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने लगभग एक मिलियन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो यह कुछ बात होगी इसकी टीम के बारे में वर्कशॉप कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा राया द लास्ट ड्रैगन मूवी एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है जिसका जॉनर के फैंटेसी एक्शन एडवेंचर मूवी है अगर आपको कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज देखना पसंद है एंड साथ ही में एक्शन एडवेंचर मूवीज देखना पसंद है तो रया द लास्ट ड्रैगन मूवी आपको पसंद आने वाली है बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड कंप्यूटर एनिमेटेड है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसा ये मूवी रहने वाला है एंड काफ़ी लोग इस मूवी को पसंद करते हैं देखना सो so, आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको भी रया द लास्ट ड्रैगन मूवी को देखना है तो बात करें इसके एक्टिंग की तो एक्ट्रेस ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया साथ ही में इस मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया है एंड बनाया भी गया है ओवरऑल टीम ने बहुत बढ़िया इस मूवी को बनाया है तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको रया द लास्ट ड्रैगन मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की है तो यूट्यूब पर यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप डिजनी प्लस के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को देख सकते हो यह मूवी आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में भी साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप रहे लास्ट ड्रैगन मूवी को जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है सो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम